देखिए, टू राइट द क्वेश्चन इन ए बोर्ड आपका नाम, क्योंकि हो सकता है कि जो आप एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, इसका फिगर बनाओ, क्लियर। लेकिन मैंने यहाँ पे आपसे फिगर बनवाना है या मैंने खुद फिगर बनाना है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको मॉडल बनाने के लिए कहा गया, एंड दैट मॉडल इज इन ए शेप ऑफ द सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड विद टू एंड्स आपका नाम, बाई यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम सीट आपका नाम। तो थिन एल्यूमिनियम सीट बोला है, इसका मतलब इसकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है या रेडियस है वो बिल्कुल निगोशिएट आपको करनी पड़ेगी ना, क्योंकि थिन बेसिकली जो आपका ये होते हैं ऐसे फिगर्स बनते हैं वो 18 गेज या 20 गेज या 22 गेज की बनती है, वैसे 22 गेज की मान करके चलो, इसीलिए उसने एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस को बनाया। गेज का मतलब उसकी मोटाई, थिकनेस की बात कर रहा हूँ। तो मॉडल का जो डायमीटर है वो आपका 3 सेंटीमीटर है, पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर, लेंथ बोला उसने, हाइट नहीं बोला। हाइट अगर बोलेगा तो आपका मॉडल आप खड़ा रखेंगे, और लेंथ बोला है तो मॉडल को आपका हॉरिजेंटली आप बनाएंगे, आपका याद रखिएगा। तो ना है हाइट 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दियर अपना, ये इनका बोला है मॉडल का आपका जो उसको जो कनेक्टेड है उसके साथ उसको निकालना आपने, कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर आपका नाम कंटेंट आपका नाम कंटेंट इन द मॉडल ईयर। और हम इसका क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा, वो हम बात को सोचेंगे। एक ही सवाल करो लेकिन ढंग से करो आपका नाम, ओके। तो ना एक्सरसाइज नंबर आपका नाम 13.2 का आपका नाम क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ना देखो दस एक्चुअल में अगर ये आप देखेंगे तो ये भी सर माउंटेड का क्वेश्चन ही है, बस सर के ऊपर माउंट इसलिए नहीं लिखते क्योंकि सर माउंटेड में ऊपर खड़ा होता है, यही इसको आप अगर ऐसे कर देंगे आप ना रोटेट कर देंगे और हॉरिजॉन्टल को आप वर्टिकल पोजीशन दे देंगे तो सर माउंटेड हो जाता कायदे से। अब आपका नाम ये हो गया, इनके दोनों एंड्स पे अगर आप देखेंगे आपका नाम देखो दस, तो इन द बोथ एंड्स आपका नाम देखो दस सर, तो दिस इज ए बी सी डी पहले बना, ई और एफ आपका बना देंगे। देखिए आपका नाम इसका द डायमीटर विच इज गिवन हियर आपका नाम देखो, डायमीटर आपका नाम देखो दिस 3 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ, पहले आप रेडियस निकाल देंगे इसका, रेडियस आपका 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा 12। ये दिस इज द टोटल लेंथ L जिसको आप H लिखते हैं, ये इस बड़ा आपका नाम देखो 12 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी जो हाइट दी हुई है दिस हाइट, ये आपका देखो H1 इज इक्वल टू ये आपका नाम दिस इज 2 सेंटीमीटर यहां दी हुई है, एंड दिस इज ऑल्सो ये आपका H1 इज इक्वल टू ये भी आपका 2 सेंटीमीटर आपका दिया है, क्लियर होगा। ये पूरा फिगर आपका देख लीजिएगा, तो इसका मतलब जो इसकी लेंथ बचेगी आपका नाम देखो दस था ये, तो आपका H इज इक्वल टू आपका बल्कि इसको आप कैपिटल L कर देता हूँ, इज इक्वल ये इससे H स्मॉल H आ जाएगा, L माइनस आपका H1 आपका देखो ना H1, और अगर आप इसको H2 करते हैं तो H1 प्लस H2 आपका कर दीजिएगा, तो ये इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर 2, 2, 4 और 12 में से 4 गया आपका नाम दस का, इतनी हाइट आपकी है, यानी कि ये जो आपका एच है दिस इज योर 8 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया, फाइन। तो नाउ फिगर पे मैंने बार बार आपको कहा कि फिगर पे बहुत ज्यादा अटेंशन दीजिएगा, वो आपकी 40% की आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा। तो नाउ देखो दिस, अब इसका मतलब आपका जो सबसे पहले जो आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर ऐसे करो, डायमीटर ऑफ कोन्स कोन्स ऑफ बोथ एंड्स, जो दोनों एंड्स पे आपका देख रहे हैं ये आपका डी इज इक्वल टू आपका नाम दिस 3 सेंटीमीटर, ये दिस स्टेटमेंट इज आपका गिवन। फिगर
पहले ही हमने ड्रॉ कर दिया है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट फिगर आपका ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद ये हो गया, तो देयर फोर आपका नाम रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन्स, ये आपका नाम आर इज इक्वल टू डी बाई टू, तो थ्री बाई टू इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, जो मैंने ऑलरेडी फिगर में आपको दिखा दिया था। उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ फिगर, जो आपका फिगर का मतलब यहाँ पे जो उन्होंने मॉडल बोला आपका नाम, एल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर या जिसको हाइट या इसी को आपका नाम यहाँ पे लेंथ भी कहेंगे, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू नाउ टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू लेंथ ऑफ आपका नाम देखो सिलेंडर सॉरी कोन कोन पार्टन कोन, तो आपका दिस इज 12 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका नाम 8 सेंटीमीटर, 2 टू 4 जो आपका फिगर में भी वी हैव ऑलरेडी मेंशन हियर, ये यहाँ फिगर में भी मैंने बिल्कुल इसको मेंशन कर दिया देखो आपका नाम क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो आपका नाम फिर पोजिशन विल बी कम फाइंड आउट, आपको क्या करना है आपका नाम, तो फाइंड आउट करने का मतलब कि क्या कह रहे हैं आपका नाम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, तो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर आपका नाम वी इज इक्वल टू ये आपको फाइंड आउट करना है ना। तो अब आपको नाम इसमें ये आपका ए फेस हो गया, बी हो गया, सी आपका, डी में अब आपका जो नाम आप क्या करेंगे ना रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड, पेट्रोल पंप भी इसी पोजीशंस पे होते हैं याद रखिएगा जमीन के अंदर ना। एनी हम सुना दो, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन दिस मॉडल इज इक्वल टू क्या करें, व्हाट वी हैव टू डू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, दैट्स वेरी फाइन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब पाई आर स्क्वायर एच जी और प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वन याद रखिए क्लियर हो गया। तो नाउ पाई आर स्क्वायर यहां पर टेक कॉमन अपन आने को दस वी वी, तो पाई आर स्क्वायर अपने कॉमन किया एच प्लस 2/3 एच वन हो जाएगा, तो दिस इज वॉल्यूम इज 22/7। अभी आर आपके पास आपका देखो ना 1.5 आपका आर है, इसका स्क्वायर आपका हो गया तो 1.5 इंटू 1.5 भी लिख देता हूं, एंड एच इज एच मीन्स द हाइट ऑफ दिस इज 8 प्लस 2/3 इंटू एच वन इज व्हाट, एच वन इज आपका नाम देखो दिस इज 2 एच वन, ये हाइट आपके नाम इस इट के लिए। तो नाउ तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका नाम 22/7 इंटू 2.25 15 है आपका, आप इसको करें और नहीं भी करते तो रख दो कट जाएगा वो आपका ना देखो 8 3 24 और प्लस 4 28 by 3 ये देखो ये 4 जा गया और इससे आपका 0.7 आपका 0.75 आपका ना देखो, तो V इज इक्वल 22 इंटू आपका 300 हो गया 3.3, कहीं मैंने गलती तो नहीं की, ओके तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन दिस मॉडल इज इक्वल टू आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब सपोज के लिए अगर आता है आपका नाम देखो दिस एक्स्ट्रा में आपका नाम देखो ओके नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस मॉडल एट द रेट ऑफ ₹12 per cm². सपोज एक्स्ट्रा में आता है एक्स्ट्रा में, यहां ये मान के नहीं चलो आपने तो प्रिपरेशन करनी है तैयारी करनी है, तो आपका इसका मतलब आपका इसमें
टोटल सरफेस एरिया ऑफ मॉडल। ऐसे बात आप क्या करेंगे जी, सीएसए ऑफ सिलेंडर और प्लस सीएसए ऑफ टू कोन्स। ओके, बिल्कुल सही आपने बोला सर। तो सिलेंडर आपका 2πRH होता और प्लस ये आपका क्या होगा, πRH। लेकिन अब तो L तो आपके पास है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका L निकालेंगे। तो L इसे यहां पे भी लगा सकते हैं आपका, ऐसा नहीं, L इज इक्वल टू आपका नाम देखो 10000। तो ये आपका फर्स्ट फेस में आपने इसका वॉल्यूम आपने ये लगा अपना। अब सेकंड, ये थर्ड फेस में आएगा क्योंकि सेकंड फेस में पहले आपका स्लेंट हाइट आप निकालेंगे। तो नाउ एच वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच वन का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 4 प्लस 2.25 इज इक्वल टू 6.25 आपका। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, देख लो, खाली मेरी हाँ में मत, 2.5 सेंटीमीटर आपका होगा, चेक कर लो। ये एल आपका आ गया। तो ये जो एल है, अब आपका स्लेंट हाइट आपका नाम एल इज इक्वल टू आपका नाम 2.5 सेंटीमीटर, चेक कर लो। आप खाली मेरे हाँ में हाँ मत मिलाना, आप ये देख लो कि क्या ये सही आ रहा है। एल आर आपका आर 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का अंदर 2.25 हो गया, 15 से 225 हो गया, और 2.25 को जब आप 2 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25, एंड 6.25 का 625 तो मतलब 25 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल के तो 2.5 हो गया। अब आप करें, अब नाउ व्हाट, पाई आर कॉमन ले लीजिए, आपका पाई आर कॉमन ले लीजिए, आपका देखो 2h प्लस n, तो पाई का मतलब आपका 22/7 इंटू आर इज आपका 1.5, 2 इंटू एच, एच का मतलब यहाँ पे आपका कितना हो गया 8, और प्लस एल आपका 2.5 का नंबर, जैसे तो 22/7 इंटू 1.5, 8 टू जा 16, 16 और प्लस 2 18.5। तो देखो अब क्या होगा, ये कटता नहीं है ना, तो आपका आप क्या करो, 7 से इसको अगर काटने की कोशिश भी करते हैं आपका, तो 7 टू जा आपका कितना होगा 14, डेसिमल लगा 4.5 हो गया, 6 आपका ना 42 हो गया, 3 बचा 4 जा। अब आप करो 22 इंटू 1.5 और इंटू 2.64 को मल्टीप्लाई करके प्लीज मुझे बताइए, पहले क्विकली जल्दी मल्टीप्लाई करो, फिर मैं आगे काम। ये आपने बताया 87.12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आया टोटल सरफेस एरिया आपका। अब फोर्थ सम है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस मॉडल इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ मॉडल और इंटू रेट अपना रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो 87.12 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू रेट आपका देखो ना कितना कहाँ गया 12, तो ना रुपीज 12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये खल्लास हो गया ना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, 2 12 कम 12 और 2 अपना 14, 1 जी 84 85, 5 8, 12 8 96, 96 और 10 104। अब आप जरा देखो मैंने क्या रुपीज 1045 रुपीज एंड 44 पाइस अपना ए, यानी कि इक्वल टू रुपीज 1045 ओनली। आजकल 44 पैसा नहीं कहेगा, 50 पैसा भी नहीं चलता जी, एक ही रुपया दो काम करना, देखो ठीक है 12। तो ये देख लीजिए कुछ भी ओके, बट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमी स्फेरिकल डोम, गुंबद जिसको आप कहते हैं, जैसे मंदिरों के ऊपर से, मस्जिद के ऊपर से, वैसे मस्जिदों के ऊपर से ज्यादा होता है ताजमहल। The base diameter of dome is 2/3 of the total height of the building. ये questions को आपको करके आपका नाम बिल्कुल
द डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू आपका लिखा हो, कोई बात नहीं। तो जब सॉल्यूशन आप करेंगे इसके ऊपर तक डोम है, हेमिस्फेरिकल आपका एंड है आपका नाउ, देखो दिस इज ए, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आपका नाउ सरमाउंटेड है आपका नाउ, इसमें तो दोनों की रेडियस आपकी सेम होगी। अब सारा यू हैव ओनली दिस वन कि हाउ मच एयर जनरली इट कंटेन्स आपका है ये इसमें दिया हुआ, बाकी आपको सम गिवन, सम इंफॉर्मेशन आर गिवन। लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ आपका नाउ, देखो स्मॉल बी द ये टी एच ई के लिए द रेडियस ऑफ आपका सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर बोथ दोनों का, इसका मतलब ये यहां पे आर आपका ये हो जाएगा, और डायमीटर की अगर आप बात करते हैं तो डायमीटर इज इक्वल आपका क्लियर हो गया साहब। इसके बाद आपका नाम देखो ये क्या कह रहा है, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग को अगर हम कर देते हैं, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग इज आपका नाम कैपिटल एच, क्लियर है सर ना, इतना आपका ये देखो ये इतना रेडियस ही रहेगा क्योंकि आपका इतना पोर्शन, लेकिन अब इसमें आपका नाम देखो दिस इज़ द जो उसने कंडीशन दी है, दैट कंडीशन ही हैज गिवन आपका नाम देखो दिस इज़ द कि द बेस टाइम द बेस डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू अपन टू बाई थ्री ऑफ टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये आपका देखो ये कंडीशन में दिए, इसका मतलब डायमीटर इज इक्वल टू टू बाई थ्री, अच्छा हो गया देखो आपका क्लियर है, आप इसको स्मॉल एच भी मान सकते हो, एच वन भी मान सकते हो, जो आपकी मर्जी है, लेकिन जरा बिकॉज दिस फिगर इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, तो इसलिए आपका टोटल एच हमने ले लिया, तो ये आपका दिस इज द टू आर रेडियस आपका ऐसे करो टू थ्री आपका देखो ना दिस इज द एच, टू से टू कैंसिल आप करेंगे तो ना बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू एच बाई थ्री, तो ये जो एच आपका आया है अपने दो ये आपका इसको आपका थ्री आर भी लिख सकते हैं अपने दो, दिस इज या हो गया इसका मतलब, अब नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर जो आएगी आपकी एच इज इक्वल टू वो टोटल हाइट और माइनस आपका क्या जाएगा हाइट या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपका जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला, तो टोटल हाइट कितनी है थ्री आर, ना देखो एच इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ये थ्री आर भी हो सकती, तो थ्री आर माइनस आर इज इक्वल टू टू आर होगी, तो ये जो ये देखो ये तो नाउ एच इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस आर इज इक्वल टू आपका एच बाई टू भी आप देख सकते थे इसके बारे में,
हाइट आपने इतनी निकाल दी, ये दिस इंफॉर्मेशन वॉज मोर इनफ फॉर द एफ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ स्केल. अब आपका नाम देखो दस रुपये. दिस बिल्डिंग कंटेन 67 होल 1/27 मीटर क्यूब ऑफ एयर. तो ये इज इक्वल टू आपका नाम वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग आपका हो जाएगा. तो ना 67 होल 1/27 इस इक्वल टू आपका नाम दिस इज पाई आर स्क्वायर एच आर प्लस जी 2/3 पाई आर क्यूब. क्लियर है? तो ना इसमें आपका 60 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 27 को 67 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आता है आपका नाम 1408 ओवर आपका नाम 27 इस वक्त पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा अंदर देखो एच प्लस देखो एच प्लस आपका कितना आ गया 2/3 आर हो गया. अभी देखो 1408 ओवर 27 कैसे बैठो ये देखिए इसमें एक काम और हो सकता है आपका देखो ना यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर एच की जगह में आपका देखो ना एच वो देखो आपका 2R तो 2R प्लस 2/3 R आपका देखो ना वो देखो आपका 1408 ओवर 27 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पहले से था और 2R भी आपको मान ले लीजिए आपका ना देखो तो अंदर आपके पास देखो 1 प्लस 1/3 आ गया ये देखिए तो दिस 1408 ओवर 27 इज इक्वल टू ये आपका कितना हो गया 2 × 22/7 इंटू आर आर क्यूब और ये 3 × 3 = 4/3 आपका देखो 3 × 9 = 27 4 × 4 = 12 5 × 22 सा आपका देखो 2 से इसको उड़ा दो 2 × 1 = 2 2 × 7 = 6 आपका नाम देखो दिस तो आर क्यूब इज इक्वल टू 176 बाई आपका नाम देखो दिस 22 चेक कर लो कहीं भी मैंने गड़बड़ तो नहीं किया बिल्कुल चेक कहाँ से 7 ये ठीक है हो गया. अब आपका देखो अब बताइए सर यहाँ चलो ठीक है अब बताइए फटाफट आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है नहीं तो फिर कोई और जुगाड़ करेंगे आप बताइए कहाँ से नहीं ये नहीं देखिए आपका 1408 ओवर अपना बिल्कुल आपने सही बोला. यहां पे हम दो चीजें हमारे पास थी या तो एच इज इक्वल टू आपका नाम देखो तो अगर मैं यहां कौन नहीं टू आर टू आर टू आर टू आर है 3R में से 1R जाएगा तो 2R है एच कहां से आएगा या आप इसको क्या कर सकते देखो या ये जो एच इज इक्वल टू आपने जो 2R किया है ना आपका नाम देखो दस इसको आपका R इज इक्वल टू एच बाई 2 भी कर सकते थे आपका नाम देखो दस गलती तो नहीं है यहाँ पे ये चेक कर लो आपका नाम देखो दस हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन एच आपने निकाला तो एच माइनस जरा देख लो कि वो आपका ठीक आ रहा नहीं आ रहा क्या हमने सही किया ना रे हो सकता कि अटक जाए कोई दिक्कत हो ना हम तो सॉल्व कर रहे हैं भाई आप देखो ना एनी हाउ ये देखो यार एच है
आर की जगह में भी आप रख सकते हैं आपका नाजुक अदद सर, आपका 1408/27 आपका देखो ना ये। अब आप पहले इसको भी क्लियर कर देंगे, पाई आर की जगह में आपका देखो ना एच बाई टू का स्क्वायर कर देते हैं आपका नाजुक अदद इंटू एच हो गया देखो आपका, और प्लस ये आपका 2/3 पाई, और आर की जगह में आपका फिर आपका देखो ना एच बाई टू का होल क्यूब कर देते हैं। अब देखो पाई आपका एच क्यूब ओवर 4 और प्लस देखो आपका ना ये कितना हो जाएगा एच का स्क्वायर, अरे एच स्क्वायर एच एच क्यूब नहीं हुआ, वाह मेरे से अपना इतनी जल्दी होंगे दे एच क्यूब ओवर ये आपका क्या होगा 8, इससे अपन ये भी 4 चला गया नहीं देखो लो, तो 1408/27 इज इक्वल टू अब आपका देखो ना पाई एच सॉरी पाई एच क्यूब ओवर 4 तो आपका कॉमन आ गया देखो, तो ये आपका कितना 1 प्लस यहाँ 1 बचा ये पूरा बाहर आ गया ना, तो 1 प्लस ये 1/3 क्योंकि पाई एच क्यूब बाई 4 तो बाहर आ गया ठीक है। अब आपका ना 1408/27 ना इक्वल टू आपका देखो ना ये 22/7 इंटू आपका एच क्यूब ओवर आपका ना 4 और इंटू 3/3 एंड आपका 4/9 जा हो गया सर क्लियर, एच क्यूब इज इक्वल टू 1408/9/7/22 आपका जी। अब आपका अब चेक कर लो आप इसको, नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास है इसमें, अगर नहीं निकलेगा तो अभी तो मैं सिर्फ ऐसे कर रहा हूँ ईमानदारी से देखो, फिर मैं उसको एच करके उसको निकाल देता हूँ जी। कट फट करके आ रहा 22/11 जा इसको करिए आपका देखो ना दस हज़ार एच क्यूब, एच क्यूब तो लेवल आपका ना हुई 2 से आपका 2 11 की आपने किया 2 7 आपने किया 0 और आपका ना देखो दस 4 11 से इसको काट दीजिएगा कितने बार 11/6 आपका ये 6 आपका आ गया 3 22 सा और 3 सा कहीं लोचा है, कहीं लोचा है देखो वहां मत देखिए कोई बात नहीं अभी कहीं लोचा है देखो अभी उतारी है नहीं अभी उतारी नहीं आपका देखो वो कट रहा है लेकिन आपका देखो ना नीचे 3 है और एच क्यूब आ रहा है इसका मतलब परफेक्ट नहीं है, तो फिर कुछ और जुगाड़ करें, कभी देखो ऐसे आपने किया और आप फंस गए तब आप क्या करेंगे, आप फंस गए आपका आंसर नहीं आ रहा तब क्या करोगे, देखिए ये इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल ही बिल्कुल सही है आपका ना देखो दस हज़ार, ये इन्फॉर्मेशन आर इज इक्वल टू आपका ना देखो दस हज़ार ये डोम ऑफ आपका ये एच है। अब इसको एच देखो कभी कभी क्या होता देखो इसको मैंने यहाँ पे देखो एच ले दिया, अब आप देखो आप फंस गए आप फंसे मैंने देखो आपका इसको एच कर दिया देखो आपका ना ये एच बाई 3 आ गया देखो ठीक हो गया, ये देखिए
आर इज इक्वल टू आपका एच बाई थ्री आ गया। अब आपका देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये आपका देखो इसको सपोज के लिए मैंने कुछ भी मान सकते हैं हम, ये नहीं कि इसका सर आपने ये छोटा एच बड़ा एच क्यों, ये मैंने कर दिया। देखो यहाँ क्या किया मैंने, देखो आपने हाइट ऑफ सिलेंडर आपका एच इज इक्वल टू टोटल हाइट कितनी है मेरे पास एच माइनस हाइट ऑफ आपका ये कितना हो गया रेडियस कितना है एच बाई थ्री है। तो देखो आपका ये अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो देखो टू एच बाई आपका कितना हो गया ये तो हाइट की ना, ये हाइट अब आपका देखो ना टू एच बाई थ्री। देखो आप अगर कभी फंस गए ऐसे करते करते तो देखो फिर यहाँ अमेंडमेंट कर दीजिए इसको, बाकी सब ठीक है। ये देखिए अब ये हाइट है आपका वो टू एच बाई थ्री आपका मीटर, क्योंकि मीटर क्यूब है आपका, देखो ये मीटर रख दीजिए। अब यहाँ आ जाइए आपका देखो दिस में, तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग आपका नाउ इक्वल टू तो ये आपका देखो दिस में, ओहो सॉरी पानी बड़ा तो जब आपको ऐसे फेस आ गया तो ना देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस अपने वॉल्यूम ऑफ हमें स्पीयर आपने किया देखो ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच वो देखो अब कैपिटल एच मैंने रखा है देखो आपका ना, और प्लस ये टू बाई थ्री पाई आर क्यूब होगा। क्लियर हो गया सर? तो ना अब फोर आपका बाई ट्वेंटी टू ऐसे करो ये 27 हाँ जी आपका ये इक्वल हो पाई आर स्क्वायर आपने क्या क्या कॉमन ले आपका एच प्लस ये कैपिटल एच है देखो हाइट रेडियस है ना, रेडियस ठीक तो है आपका टू एच ठीक है। अब आपका देखो एच की जगह मैं क्या लिखूं मैं टू एच अपॉन थ्री और प्लस यहां कितना बचा टू अपॉन थ्री आर, आर को कितना लिख सकता हूं मैं एच अपॉन थ्री ये है ना आर ऐसे बने तो आपका एच अपॉन थ्री। अब आप कहेंगे सर आपने ये यू क्यों किया अभी मिटा करके, क्योंकि मुझे क्या करनी थी हाइट आपको निकालनी थी, वहां से मैं क्या करता रेडियस निकालता फिर मैं हाइट में जाता, यहाँ डायरेक्ट देखो मेरा हाइट निकल गया। अब आप करो 1408 और 27 ऐसे करो पाई आर स्क्वायर, अभी देखो ये 2h / 3 है और प्लस ये आपका कितना होगा 2h / आपका कितना हो गया नहीं क्लियर है तो ना 1408 / 27 ऐसे करो पाई आर स्क्वायर अभी नहीं रख रहा हूं इसका देखो कितना हुआ 9 एलसीएम आपका 3 3 6h और प्लस आपका क्या जो 2h हो गया जी। तो ना 1408 / 27 इक्वल टू ये पाई / 22/7 और r की वैल्यू क्या रखो n h अपॉन 3 हो गया r स्क्वायर है h अपॉन 3 का स्क्वायर स्क्वायर है ना इसे क्या और इनटू 8h / आपका क्या हो गया 9 ठीक हो गया। आपका जो 1408 ओवर 27 इज इक्वल टू 27 सॉरी 22/7 इंटू एच स्क्वायर ओवर 9 और इंटू 8h ओवर 9 ठीक है 9 थ्री सा हो गया। अब आपका ठीक हो गया कोई दिक्कत नहीं एच क्यूब इक्वल टू 1408 इंटू 9 इंटू 7 ओवर 9 इंटू 7 इसके साथ इंटू 3 इंटू 22 इंटू 8 हो गया आ गया 3 3 9 8 की टेबल में देखो ये कटता है नहीं कटता है जरा देखो जाओ जल्दी मुझे तो पता लग रहा है ये 216 आ रहा है इसको काट करके जरा देखो
लिमिट से 176 बार कर दो, ठीक हो गया। आप इसको काटो, आठ बार हो गया। ठीक हो, अब आपका 56 थ्री सा, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है? देखो इनको मल्टीप्लाई करके 8, 3 और 7 तो फिर कोई फिगर कहीं छूट तो नहीं गई? कहा वही मैं कह रहा हूँ, ये लेवल में इतना आना चाहिए, वो तो आप बताओगे ना। मैंने क्लियर किया है नहीं किया है वो मैं देखना चाह रहा हूँ यार। एक्स स्क्वायर भी ठीक है, ये भी ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ तो ये भी ठीक है, आपका देखो ना इसमें तो बिल्कुल ठीक है। गड़बड़ हो रही है सर, कटिंग में कहीं गड़बड़ हो रही है आपसे। देखो आप काटने में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, आप देखो ना, काटो ना। काटा, काटोगे नहीं तो काटो, मैंने कब काटा? वो तो उसी दीदी का ठेका है, रोज काटेगा। आप भी करो ना, 1408 तभी तो आपके कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, करो ना। तो 1408 इंटू देखो आपका 27 इंटू 22, मैं यहाँ ले आया आपका, देखो नीचे ले आया हूँ, देखो आपका नाव देखो दे, इंटू 7 को मैं ऊपर लेके आपका नाव देखो दे, ये 7 को ऊपर लेके ये आ गया 22 आ गया। देखो जरा चेक करो सर, 3 और 9 अभी 22 मैं लाया हूँ और 7 में ऊपर लेके गया हूँ। देखो इक्वल टू आपका नाव 8h³ ओवर ये आपका 3 × 9 किया मैंने, देखो अपन जी। एच क्यूब है तो अभी काटा नहीं, तो 3 × 3 = 9 यहाँ रख देता हूँ 27। ये देखिए ऐसे, अब ये देखो इससे इसको काटो जरा फटाफट, 22 21 तो आना ही नहीं चाहिए इससे, कहीं ये 21 तो नहीं है? सवाल एक मिनट, सवाल में गड़बड़ तो नहीं है? रुक जाइए, ये कहीं ऐसा ना हो, ये 21 होगा सर, 21 हो गए, 21 अब आएगा 21 ये हो गया सर, ऊपर भी 21। कोई बात नहीं, वो तो आप कर लीजिए, अब आप करके बार बार 7 × 21 आपका लेकिन हो गया, ठीक है आ गया। एच क्यूब इज बढ़ो 1408 × 81 होगा, ये ऊपर गया इंटू आपका नाम देखो 3 × 22 × 8 आ गया। काट लो उसको फटाफट काटो, 3 से आपका काटा, 3 9 से आपका हो गया, देखो आपका नाम देखो 8 से 176 आपका कट हो रहा है, और इससे ही आपका नाम 8 9 है ना, इतने सवाल मैंने कर दिए उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं आपने, आपका देखो ना दे सर, ये देखो आपका इनको अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है देखो एक बार फिर दिखा रहा हूँ यार, यहाँ देखो ये ठीक है आपका, ये देख लीजिए ना। तो देखो ये 1408 आपका पहले इसको बहुत दिक्कत आ रही है, तो देखो ये देखो ये 22/7 इंटू देखो ये h³² / 9 हो गया, और इंटू देखो 8h/9 हो गया। अब आप क्यों देखो ये एच क्यूब अपनी जगह में आपका देखो ना, ये देखो ना आप 1408 ये आया, ये देखो 997 ऊपर गया, 9 × 9 × 7 ऊपर गया, देखो ये नीचे
ये 21 इंटू 22 इंटू 8 है। आप काटो ना इसको, आप काटिए। इसको उड़ाइए आप, 7 3 आपने कर दिया देखो ये अपना, और 3 3 आपने कर दिया। हाँ सर, मैं यही पूछ रहा था। उसके बाद 20 उसके बाद देखो ये आपने इससे काटा, कितनी बार काटा इसको, 8 से कितनी बार काटा था आपने, 176 टाइम आपने काटा, ठीक हो गया ना। फिर इससे आपका ना 8 टाइम आपने किया। अब आपका 8 3 21 तो 21 9 सा 9 6 36 3 9 8 19 20 21 आ तो रहा है यार खाली। h³ = 216 h = √216 इतने क्वेश्चन कर दिए। और उसके बाद इस 6 से भी निकाल दो, देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर। और अगर ये रेडियस पूछता तो रेडियस आर इज इक्वल टू देखो आपका h/3, तो आपका h 6/3 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर मीटर 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 मीटर। कटिंग में इसलिए गड़बड़, इनकी प्रैक्टिस कर लो घर में। तो ये था किसका वो, तभी तो चेंज कर दिया, तभी तो रेडियस को उसमें कर दिया ना, तो वही तो मैंने बोला जब हम फंस जाते हैं तो ये दूसरा आपका ना इसको कन्वर्ट कर दिया आर एस आपका। वही मैंने कहा एक बड़ा एच हो गया छोटा एच हो गया इसको मत करेगा, ठीक है ना। कल आपसे मुलाकात होती है कितने बजे,